हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है क्रिश और इस वीडियो में अनबॉक्स करने जा रहे हैं बल्ब होल्डर विद पीआईआर मोशन सेंसर। अब ये बल्ब होल्डर इतना खास क्यों है? क्योंकि इसके साथ एक पीआईआर मोशन सेंसर अटैच है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। दोस्तों, इस प्रोडक्ट की बात करें तो हमें ऑटो ऑन ऑफ देखने को मिल जाता है, पीआईआर मोशन सेंसर। तो पीआईआर के फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या होती है। तो इस तरीके से ऑटो ऑन देखने को मिल जाता है। डब्बे पे कुछ इस तरीके से 1 ईयर की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है, तो कोई झंझट वाली बात नहीं है। और भारत में निर्मित यानी मेड इन इंडिया। आपको प्राइसिंग यहाँ पर दिख जाती है 599 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स शो किए गए हैं कि हाउ टू यूज़ दिस, किस तरीके से बल्ब को अटैच करना है और किस तरीके से मोशन सेंसर को अटैच करना है। तो दोस्तों, अब हम कर लेते हैं फाइनली इसको ओपन और देखते हैं किस तरीके से हमारा होल्डर है और किस तरीके से मोशन सेंसर है। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा मैनुअल मिलता है जिसकी कोई काम नहीं, और यह रहा फाइनली हमारा होल्डर विथ मोशन सेंसर। तो दोस्तों, होल्डर देखने में काफ़ी लग रहा है जैसे बल्ब की तरह है, बट ये एडिशनल एक्सटेंडर है। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेंडर है। तो इसमें हम करेंगे बल्ब को फिट, और ये जो है मूवेबल आपका मोशन सेंसर है। तो आप जिस तरफ से मोशन डिटेक्ट करना चाहते हैं आप इसे मूव करके सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें क्लिप दी गई है और बैक साइड पे टाइम एडजस्ट करने के लिए दी गई है, यानी कि आप इसे 5 सेकेंड से लेकर 10 मिनट्स तक सेट कर सकते हैं। आपको जो ये यहाँ पे छोटी सी पॉइंट नज़र आ रही है, इसमें आप स्क्रू ड्राइवर डालकर एडजस्ट करोगे, जैसे नट बोल्ट कसते हैं उस तरीके से यहाँ पे टाइमर एडजस्ट करोगे। ऑलराइट, तो पॉजिटिव में टाइमर लगाओगे या फिर नेगेटिव में टाइमर लगाओगे, ठीक है। तो अब हम चलिए कर लेते हैं प्लग। और दोस्तों, इस प्रोडक्ट की बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप परचेस करना चाहें तो आप इजीली वहां से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से देखो मैंने प्लग कर लिया है अपने बाथरूम में, और बाथरूम में कुछ इस तरीके से मैंने प्लग किया है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अपने बाथरूम में सेट कर लिया है और जो मोशन सेंसर है उसको भी थोड़ा सा डाउन करके सेट कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी लाइट्स ऑफ है और मैं अभी कर रहा हूँ स्विच ऑन। तो ये मैंने कर दिया है स्विच ऑन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट जल चुका है बाथरूम में, और यहाँ पे स्पेस आप देख सकते हो कि ठीक है, मेरे डिटेक्ट 10 मीटर के रेंज में डिटेक्ट हो जाना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है 10 मीटर के डिटेक्ट। तो अब हम कर लेते हैं दरवाजे को क्लोज़ और चेकआउट कर लेते हैं क्या काम करता है कि नहीं करता है। तो इस तरीके से मैंने बंद कर लिया, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्विच ऑन भी है और लाइट्स ऑफ है, ठीक है, वो मोशन सेंसर ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है। अब मैं दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ, तो देखिएगा थोड़ा सा भी मोशन होगा वो डिटेक्ट कर लेगा। देखिए, तो एक छोटा सा दरवाज़ा भी मोशन किया जिस वजह से उसने डिटेक्ट किया और लाइट ऑन हो गई। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि कोई भी बाथरूम में इंटर करने से पहले अगर कोई इंटर करता है तो लाइट अपने आप जल जाएगी, और थोड़ी देर के बाद जब कोई बाथरूम में नहीं डिटेक्ट करता वो मोशन सेंसर किसी भी इंसान को या कोई मोशन को डिटेक्ट नहीं करता तो ऑफ हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इस प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं या फिर परचेज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा, या फिर आपका कोई सवाल होता है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।